दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने YouTube चैनल की पहली अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। और दोस्तों ये जो अनबॉक्सिंग है ना, ये एकदम से अलग तरीके की अनबॉक्सिंग है। YouTube में पहली बार ऐसी अनबॉक्सिंग आप लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी जितनी भी अनबॉक्सिंग देखी होगी अदर चैनल्स में, वो लोगों उन लोगों का एक अपना एक स्टूडियो होता है, वहाँ पर अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन यूट्यूब के इतिहास में मेरी समझ के साथ पहली बार ऐसा होगा जब कोई यूट्यूबर नदी के किनारे किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, अभी फिलहाल मैं नदी के किनारे आ चुका हूँ और जिसकी अनबॉक्सिंग करनी है वो भी मैं लेकर के आ चुका हूँ और यहीं पर आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये अनबॉक्सिंग जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ये मत समझना कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ना मैं तो इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका सिर्फ रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट या वीडियो पसंद आए तो आप लोग मार्केट से ले भी सकते हैं, ठीक है? दोस्तों ये जो जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दोस्तों, वो चीज़ है, अभी मैं एक वर्ग में गया था आदेश के, तो वहाँ पर जो इन लोगों का जो गौ सेवा गतिविधि जो है, उन लोगों ने एक प्रोडक्ट तैयार किया। इस प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा गाय के गोबर से निर्मित है। इसमें जो भी आपकी दीपावली, जो हमारा सबका बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें जो भी पूजा की सामग्री आती है वो सभी सामग्री एक ही किट में दी गई, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस किट में दोस्तों गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, अभी मैं सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलिए दोस्तों, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं सामने, गोमय दीपावली पंचगव्य उत्पाद बिक्री केंद्र है, इसकी इन लोगों की तरफ से ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया गया है। इसमें मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि इसमें बाहर से ये कैसा है। अभी दोस्तों ये जो आप खुला हुआ देख रहे हो ना, ये इस तरीके का, ये क्या था कि जब मैं घर में लेकर के आया था ना, तो घर वालों ने इसको खोल दिया है, तो इसलिए एक बार इसका मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसको मैं एक बार दोबारा बंद करके लाया हूँ। इसमें मिल क्या क्या रहा है हमको वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सबसे पहले आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले दोस्तों गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है, एक ओम है, एक स्वस्तिक है, एक श्री यंत्र है, श्री है और शुभ लाभ है, संख के आकार में बने हुए शुभ लाभ हैं, और धूप बत्ती है, और सादा दीपक हैं जलाने के लिए। इसके साथ में आपको मोम युक्त दीपक भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ में रुई है, माला है, जनेऊ है और आसनी वस्त्र हैं और कौड़ी दी जा रही है, और इसके साथ में आप लोगों को हवन सामग्री भी दी जा रही है। इस बॉक्स के अंदर जो दोस्तों ये इतने सामान आपको आइटम दिए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा आइटम बॉक्स देखने में लग रहा है। इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो RSS के जो द्वितीय सरसंघ चालक जी थे, उनका एक अमृत वचन भी लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है, जिसके रोम रोम से अपने राष्ट्र की एकता प्रस्फुटित होती है, यदि उसका संरक्षण नहीं हुआ तो इस देश का उत्थान कैसे होगा। वस्तुतः गौ माता ही हमें एकत्र ला सकती है, गौ माता हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधार स्तंभ है, परम पूज्य श्री गुरु जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा अमृत वचन इसमें लिख करके दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब बिना देरी किए हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आप लोगों को इसमें जी कैसा प्रोडक्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है? चलिए तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बार मैंने जगह फिर से चेंज की, जगह इसलिए चेंज की है क्योंकि जहां पर इस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूं यहां का व्यू काफ़ी शानदार है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सामने दो नदियों का अपना मिलन केंद्र, इस तरीके से होते हुए ये अपना इस साइड में जंगल, ये पूरा जंगल है इस साइड में, और यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस जगह से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जब भी मैं अभी कभी टेंशन वगैरह कुछ होता हूँ तो यहाँ पर बैठ करके घंटों समय व्यतीत करता हूँ, तो काफ़ी यहाँ का जो मनमोहक नज़ारा है इस वजह से यहाँ पर ये जगह मेरे लिए काफ़ी खास है। और इसके अलावा भी एक दो कई कारण हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर के आया हूँ, और इसका अंदाज़ा शायद मैं क्या बोलूँ, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक लोग लगा सकता है, अभी मैं उसका नाम ले लूँगा, ठीक है? समय आने पर पता चल जाएगा कौन लगा सकता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों एक बार अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अभी ये जो टेप है ना, ये पहले से खुला हुआ है, तो इसको हल्का सा बस खोलेंगे और ये पूरा खुल जाएगा इस तरीके से। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, जो अनबॉक्सिंग थोड़ी गलत तरीके से हुई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बॉक्स खोल देना दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग जो काफ़ी सेफ्टी के साथ ये सामान आप लोगों के पास या कहीं पर भी भेजे जाते हैं, ठीक है? ये जो पयाल या इसको क्या बोलते हैं, पुआल, ठीक है, सबसे इससे ढकी हुई है,
तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये जो वस्त्र बोले बताए थे ना आप लोगों को, सबसे पहले ये माला। जो दोस्तों जो माला है, एक माला है गणेश भगवान के लिए और दूसरा जो दोस्तों माला है ये है लक्ष्मी माता के लिए। तो जिस तरीके से दो माला दिए जा रहे हैं और ये वस्त्र दिए जा रहे हैं, ठीक है, इनको मैं निकाल करके अलग रख लेता हूँ इस तरीके से। और दोस्तों ये धूप दी जा रही, इसको मैंने खुद यूज करके देखा दोस्तों, इसकी जो खुशबू है काफ़ी मनमोहक है एक तरीके से बोला जाए तो। ये शुद्ध गाय के देसी गाय के गोबर एवं सुगंधित जड़ी बूटियों से निर्मित है दोस्तों, ठीक है। और इसके मैं अंदर खोल करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से अंदर से आती है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने खुद यूज किया हुआ है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए रुई भी दी जा रही है, इस पर ये जनेऊ और कौड़ी भी दी जा रही है। एक तरीके से पूरी जो पूजे की किट है दोस्तों आप लोगों को दी जाती है। इसको खरीदने के बाद में आपको कहीं पर भी दूसरी जगह पर नहीं जाना है, ठीक है। ये दीपक देख सकते हैं, ये सादा दीपक है, ठीक है। इसके साथ में आपको मोम युक्त, यानी कि ये सिर्फ इसमें जलाने का काम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये जो दिए हैं ये आपके इसमें घी रख करके जला सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके साथ में दोस्तों सबसे खूबसूरत चीज़ ये है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। अभी इसको मैं खोलूँगा नहीं, खोल कर दिखा सकता हूँ, लेकिन विशेष काफ़ी अच्छी मूर्ति, इसको मैंने ना खोल के देख रखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी ये गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है और ये देख सकते हैं, ये शंख के आकार कृति में शुभ और ये लाभ, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और दोस्तों ये जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है ये है कि ये ना शुद्ध गाय के देसी गोबर से बनाए गए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये ओम और ये श्री, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही है, ये धूप बत्ती है, सॉरी हवन सामग्री भी है इसमें, ये भी गोबर देसी गाय के गोबर और जो जड़ी बूटियाँ होती उससे ये बनाया हुआ है। और इस तरीके से पूरा बॉक्स हो गया खाली, ठीक है। इतने आइटम दिए जा रहे हैं आप लोगों को, इसके साथ में एक पर्चा भी है, ठीक है। इसमें पूरी सारी जानकारी दी गई, इसमें क्या है धूप बत्ती हवन सामग्री अमृत भुकनु, ये इस तरीके के इनके जो उत्पाद हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है इसके निर्माता हैं जय गौ माता ग्रामोद्योग सेवा समिति एवं सुरभि स्वयं सहायता समूह गोविंद नगर औरैया का ही है। इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से फ़ोन करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों ये आइटम है, और ये जो दोस्तों आइटम है ये ना बिल्कुल शुद्ध देसी गाय के गोबर से निर्मित है, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो दोस्तों ये रही अनबॉक्सिंग आप लोगों की। अगर दोस्तों आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आए या अच्छे लगे तो आप लोगों जो मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिए वो पर्चा दिखाया लास्ट में, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से फ़ोन करके मंगा सकते हैं, या आप लोग नियर बाई में कोई भी हो तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जो गौ, ये सारी सुविधाएँ इसलिए की जा रही है, ये सारी जो व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि आज हमारी जो राष्ट्रीय माता गौ माता है इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मन में गौ माता के प्रति जरा सा भी समर्पण भाव है तो आप लोग ये सामान जरूर खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं तो खैर दो बॉक्स लेकर के आया था, एक जहाँ पर मैं अभी अपने गांव में हूँ यहाँ के लिए, और दूसरा मेरा एक मकान घाटमपुर में भी है तो वहाँ के लिए भी लेकर के आया था। तभी ये बॉक्स तो मैं यहीं पर यूज करूँगा, जो दूसरा बॉक्स है वो मैं कल के दिन लेकर के जाऊँगा घाटमपुर, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विदाशीष। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मनोरंजक वीडियो लेकर के आते रहें। धन्यवाद।